वेल हेलो गाइस, आपका स्वागत है फ्लिक डायमेंशन में। और आपके लिए आज बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। वेल, अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि रियान रेनॉल्ड्स यानी कि अपने डेडपुल ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की है डेडपुल अपडेट के नाम से, और उसमें उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि डेडपुल 3 अब शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ उन्होंने इस वीडियो में ह्यूज जैकमैन को भी साथ लेकर इस चीज़ की कन्फर्मेशन कर दी है कि ह्यूज जैकमैन वुल्वरिन के कैरेक्टर के लिए अब वापस आ रहे हैं। वेल, इसी के साथ ह्यूज जैकमैन जो है उनसे इस वीडियो में ये पूछा गया कि क्या तुम एक और बार वुल्वरिन का कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे। इसका मतलब है कि वुल्वरिन अभी के लिए सिर्फ डेडपुल मूवी में ही आ रहे हैं। उनके आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वुल्वरिन का कैरेक्टर प्ले करने की अभी कुछ और डिटेल या कुछ भी डिटेल नहीं आई है। वेल, वो तो हमें इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा कि फैंस की क्या मांग है और क्या वुल्वरिन का कैरेक्टर और भी मार्वल यूनिवर्स में आगे बढ़ेगा। वेल, तो उसके लिए तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। पर उसके बाद अगर मैं आप सोच रहे होंगे कि कैसे वुल्वरिन का कैरेक्टर वापस आ सकता है जबकि वो लोगन मूवी में मर चुका था, यानी कि एक प्रॉपर एंडिंग के साथ उनकी एंड हो चुका था। वेल, तो ऐसा ही कुछ एंड चार्ल्स एक्सवियर यानी कि पैट्रिक स्टूअर्ट के कैरेक्टर को भी हो गया था, पर वो फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वापस आए क्योंकि वो किसी और ही यूनिवर्स के चार्ल्स एक्सवियर थे। इसी के साथ हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वुल्वरिन का कैरेक्टर जो हमें डेडपुल 3 में देखने को मिलेगा वो भी किसी और यूनिवर्स से हो सकता है। वेल, इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो इसी के साथ उन्होंने रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है जो कि मार्वल के थंडरबोल्ट्स के बाद और फैंटास्टिक फोर से पहले होगी, यानी कि 9 सितंबर 2024 को ये मूवी रिलीज होगी। और इसी के साथ इस मूवी को डायरेक्ट जो करेंगे वो है शॉन लेवाई। वेल, अगर आपको नहीं पता कि शॉन लेवाई कौन है, तो पिछले 2 से 3 प्रोजेक्ट जो थे रियान रेनॉल्ड्स के, जैसे कि द एडम प्रोजेक्ट, द फ्री गाय, वो दोनों को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। और स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रोड्यूसर जो है वो शॉन लेवाई ही है। वेल, उसकी डिटेल जानने के लिए आप ऊपर हमारी शॉर्ट्स देख सकते हैं। वेल, इसके बाद अगर हम बात करें तो बस बात करने को और कुछ नहीं रहा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट कर बताना आप कितने एक्साइटेड है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं नेटफ्लिक्स के अपकमिंग 30 प्रोजेक्ट्स, तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।